हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी फिंगर फूड की रेसिपी शेयर करूंगी। हमारी आज की रेसिपी है पापड़ी चाट। इसी के साथ मोनिकास डीआईवाई में आपका स्वागत है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पापड़ी चाट बनाने के लिए हम दही में डालने वाली पापड़ी लेंगे और ये इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। उबले हुए आलू लेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे, धनिया और पुदीने की हरी चटनी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फेंटा हुआ दही लेंगे, इमली की खट्टी मीठी चटनी इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया और अपनी पसंद का कोई भी भुजिया। अब सबसे पहले हम उबले हुए आलुओं को काट लेंगे। आप चाहें तो आप इनको छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं या फिर इनको थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी पार्टी एपेटाइजर की रेसिपी है। इसे आप किसी भी फंक्शन में, फेस्टिवल पर या फिर अपनी किट्टी में, फैमिली गेट टुगेदर में या इवनिंग स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं। ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और सभी को बहुत ही पसंद आती है। अब उबले हुए आलुओं में हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इनको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इस रेसिपी को छोटे बड़े सभी बहुत ही पसंद करते हैं। अब हम एक सर्विंग ट्रे लेंगे या फिर एक प्लेट लेंगे और उसमें सारी पापड़ियां अरेंज कर लेंगे। और पापड़ियों के ऊपर हम उबले हुए और मैश किए हुए आलू थोड़े थोड़े रखेंगे। उबले हुए आलू में मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि जो हमने ग्रीन चटनी बनाई है उसमें भी थोड़ा सा नमक है और जो इमली की चटनी है उसमें भी नमक है और ऊपर से भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो इसलिए मैंने उबले हुए आलुओं में नमक नहीं डाला। और ऊपर से हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे। और फिर फेंटा हुआ दही थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फिंगर फूड है। अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। ऊपर से हम थोड़ी थोड़ी इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा भुजिया डाल देंगे। और हरा धनिया से गार्निश करेंगे। पापड़ी चाट बनकर तैयार है। इजी पापड़ी चाट सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मोनिकास डीआईवाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। Thank you for watching my video.